नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल एक ऐसा मंच जहां पर देश विदेश के अलग अलग खिलाड़ी एक टीम के साथ जुड़ते हैं और उनकी जोड़ियां बन जाती हैं, मतलब वो एक जोड़ी के रूप में काफ़ी मैचेस जिताते हैं या काफ़ी लंबे समय से उस टीम के लिए वो खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल 2022 सबके कुछ बदला हुआ नजर आएगा। सबसे पहला बदलाव तो यही होगा कि 8 की जगह 10 टीमें आपको खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो अभी तक आईपीएल में रोमांच लाते थे, लेकिन अब वो नहीं दिखेंगे। दरअसल कुछ जोड़ियां अब अलग हो गई हैं। जोड़ियों का मतलब कुछ ऐसे प्लेयर जो कि एक टीम के लिए काफी लंबे समय से खेल रहे थे और अब वो आईपीएल 2022 में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। मतलब अब आईपीएल में रैना धोनी के अलावा विराट, एवी, डिविलियर्स, कृणाल पांड्या और राशिद वार्नर जैसी जोड़ी नहीं दिखेगी। ये सभी खिलाड़ी लंबे समय से साथ खेल रहे थे एक फ्रेंचाइजी के लिए। आईपीएल में इनकी दोस्ती फैंस को बेहद पसंद भी आती थी, लेकिन अब इन खिलाड़ियों का याराना फिलहाल तो आईपीएल 2022 में देखने को नहीं ही मिलेगा। हार्दिक और कृणाल तो पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि पहली बार होगा कि जब हार्दिक और कृणाल एक दूसरे के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। तो चलिए ऐसे में नजर डालते हैं कि कौन कौन सी जोड़ियां अलग हुई हैं और कितने साल तक वो एक साथ खेल चुके हैं। टूट गई कोहली डिविलियर्स की जोड़ी। दोनों 11 साल तक साथ में खेले आरसीबी के लिए। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी भी इन दोनों ने ही की थी। आपको याद होगा कि 215 रनों की नाबाद साझेदारी इन दोनों ने की थी और किस तरीके से इन्होंने आरसीबी को मैच जिताए हैं पूरी दुनिया ने देखा है। बाकी इनका याराना फील्ड में फैंस को काफी पसंद आता रहा है, लेकिन डिविलियर्स जो कि संन्यास ले चुके हैं इसीलिए विराट कोहली के साथ वो अब नहीं दिखेंगे। पांड्या ब्रदर्स हुए जुदा। ये दोनों भाई बड़ौदा की टीम के लिए सबसे पहले साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इसके बाद जब ये लीग में आए तो मुंबई इंडियंस की टीम में ये एक साथ खेलते हुए नजर आए और इंडिया में तो साथ खेलेंगे ही, उसमें कोई चांस ही नहीं है। मतलब अभी तक ये दोनों भाई जहां भी खेले साथ खेले, मतलब विपक्ष में कभी खेले ही नहीं। लेकिन अब पहली बार ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए आपको नजर आएंगे। एक तरफ हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के कप्तान होंगे जो वहां से खेलते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ होंगे कृणाल पांड्या जो कि लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हुए इस आईपीएल में नजर आएंगे। मतलब पांड्या ब्रदर्स अब अलग अलग खेलते हुए नजर आएंगे और ये भी जोड़ी आपको आईपीएल 2022 में नहीं दिखेगी। वार्नर राशिद खान भी हो गए अलग। अब आप समझ सकते हैं डेविड वार्नर और राशिद खान किस तरीके से हैदराबाद की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहे हैं। जब जब हैदराबाद को जीत मिली ये दो खिलाड़ी सबसे सफलतम प्लेयर इस टीम के रहे। एक अफगानिस्तान से आता है तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इनकी जोड़ी ने कमाल किया। हालांकि कभी साथ बल्लेबाजी करके बहुत बड़ी जोड़ी तो नहीं बनाई, गेंदबाजी तो वार्नर करते नहीं हैं। ऐसे में इनका मैच के दौरान उस तरीके से पार्टनरशिप में भले ही हिस्सेदारी ना रही हो, लेकिन दो प्लेयर की जोड़ी में इन्होंने बहुत मैचेस जिताए हैं। एक तरफ वार्नर ने अपने बल्ले से तो दूसरी तरफ राशिद खान ने अपनी गेंदबाजी से। लेकिन अब वार्नर आपको नहीं दिखेंगे, दिल्ली में होंगे वो, जबकि राशिद खान आपको दिखेंगे गुजरात टाइटंस के लिए। तो ऐसे में ये भी जोड़ी अब अलग हो चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरे सीजन में खेलते हुए दिखाई देते हैं। थला धोनी से बिछड़ गए चिन्नाथला रैना। 12 साल साथ रहे, कई यादगार जीत साझेदारियां की, पीली जर्सी मतलब सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, सीएसके मतलब चिन्नाथला और थला। लेकिन 12 साल बाद अब ये जोड़ी अलग हो चुकी है। धोनी हमेशा से रैना पर आंख बंद करके भरोसा करते रहे जब वो सीएसके के लिए खेलते रहे। गेंदबाजी सौंपनी हो, फील्ड लगाना हो या फिर बल्लेबाजी में कुछ परिवर्तन करना हो, धोनी ने सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर दिखाया तो सुरेश रैना पर। लेकिन अब की ये जोड़ी 12 साल बाद अलग दिखाई देगी। एक तरफ धोनी सीएसके के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ रैना टीवी पर उनका मैच देखते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सुरेश रैना को किसी ने नहीं खरीदा है। चेन्नई ने भी उन्हें नहीं खरीदा, जिसके बाद आलोचना भी उनकी हुई है। लेकिन अब ये जोड़ी अलग हो चुकी है और इस जोड़ी को देखने के लिए फैंस कितने उतावले रहते थे इस 12 साल के इतिहास में आप नजर डालेंगे तो बखूबी समझ जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में ये प्रदर्शन करती है। लेकिन चिन्नाथला और थला की जोड़ी बिछड़ी है तो फैंस भी काफ़ी दुखी हैं। तो ये थी कुछ ऐसी जोड़ियां जो कि आईपीएल 2022 में आपको साथ खेलते हुए नहीं दिखाई देंगी, जिसमें धोनी, रैना, पांड्या ब्रदर्स से लेकर एबी और विराट कोहली तक शामिल हैं।
ऐसे और भी कई प्लेयर हैं जो कि एक साथ लगातार एक फ्रेंचाइजी के लिए लंबे वक्त तक खेलते रहे, लेकिन अब वो एक साथ खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आईपीएल 2022 बहुत नया होने वाला है। फिलहाल आपको कौन सी जोड़ी टूटने पर ज्यादा दुख हुआ है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।